हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ त्रिशा एंड आप देख रहे हो वंडर त्रिशा। सो गाइस, समर आ चुका है एंड शादी का सीज़न भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग गर्मियों में बहुत आसानी से कैरी कर सकते हो। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समर में स्किन बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो जाता है एंड इसको हाइड्रेटेड रखने के लिए हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे मेकअप सेटिंग स्प्रे। विंटर नहीं है इसीलिए हम लोग मॉइस्चराइज़र को स्किप करेंगे। जितना आप लोग मेकअप को लाइट रखोगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा रहेगा समर के टाइम पे। इसीलिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे फिक्सिंग स्प्रे लगा के मैंने डैब डैब करते हुए मेरे पूरे स्किन पे अप्लाई किया है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। ये मैट प्राइमर है, PAC का मैट प्राइमर। इससे हमारे स्किन के जो पोर्स है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज कंसीलर। अगर आपके स्किन पे कोई भी डार्क मार्क नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है, तो आप लोग इस स्टेप को स्किप कर सकते हो क्योंकि समर का सीज़न है, मेकअप हमें लाइट रखना है, तो इसीलिए आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने मेरे उंगलियों की मदद से ऑरेंज कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन। आप लोगों को पता ही होगा मेरे पास दो ही फाउंडेशन है, फिट मी का एंड दो शेड का, एक डार्क है 310 एंड एक लाइट है 112 शायद। तो मैं इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करके एक साथ मिला के मेरे स्किन शेड का बना लेती हूँ एंड उसको ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। मेरे स्किन के शेड के लिए मुझे 2 पम्प डार्क फाउंडेशन लेना पड़ता है, 2 पम्प लाइट फाउंडेशन लेना पड़ता है, तो ही मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। एंड इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड लाइट है। मैं एक सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास कोई कंसीलर नहीं है इसीलिए मैं जो लाइट कलर का फाउंडेशन मेरे पास था उसको ही मैं एज ए कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ। इससे भी काम हो जाता है। आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा करके दोनों आईज़ के नीचे लगाया है, नोज़ पे लगाया है, फोरहेड पे लगाया है, चिन पे लगाया है। जो काम मेरे फाउंडेशन कर देती है उसके लिए मैं अलग से कुछ खरीदती नहीं हूँ। तो मैं पहले से ही फाउंडेशन से ही मैं अपने कंसीलर का काम कर लेती हूँ, इससे अच्छा हो भी जाता है, तो इसीलिए मैंने कंसीलर नहीं ख़रीदा। अगर आप लोग दो अलग अलग शेड के फाउंडेशन खरीदते हो तो इससे आपका पूरा काम हो जाता है। अभी मैं मेरे पास जो डार्क कलर का फाउंडेशन था 310 शेड का, उसको ही मैं एज ए कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर दो शेड का फाउंडेशन रहता है ना, तो किसी भी स्किन शेड का हो आप लोग वो बना सकते हो। तो इसीलिए मैंने दो अलग अलग शेड का फाउंडेशन ले लिया है एक फाउंडेशन लेने के वजह से। तो इसको अप्लाई करने के बाद ना आपको 5 सेकेंड वेट करना होगा क्योंकि 5 सेकेंड में ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। इसके बाद अगर आप लोग फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे तो पूरा अच्छा सा फुल कवरेज आपको देगा। तो इसीलिए मैं 5 सेकेंड वेट कर लेती हूँ फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगाने के बाद। अभी मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर से मेरे अंडर आई को फिक्स कर रही हूँ। मैंने पहले ही बोला है मेकअप को आज हम लोग थोड़ा सा लाइट रखने वाले हैं, इसीलिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये TL पाउडर से ज़्यादा लाइट होता है। तो मैंने मेरे स्माइल लाइन को भी इससे ही फिक्स कर लिया है। बेस मेकअप हमारा लगभग कम्प्लीट हो गया है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोरिंग का एक न्यू ट्रिक बता रही हूँ आपको। कॉन्टोर करते करते इसको ज़्यादा खींचना नहीं है चीक्स के अराउंड, आपको सिर्फ ईयर के साइड पे थोड़ा सा लगाना है, मतलब आईज़ के ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक ही इसको राउंड राउंड करना है। तो इससे आपके फेस का शेप राउंड रहता है, आपके फेस कट नहीं होता बल्कि पूरा राउंड हो जाता है एंड एक फ्लफी सा इफ़ेक्ट देता है आपके चीक्स को। अभी मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ, इससे नोज़ थोड़ा सा थिन लगता है। मैंने कॉन्टोरिंग ब्रश को ही यूज़ किया है नोज़ कॉन्टोर करने के लिए। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्लश। ये कोरल शेड का ब्लश है कलर बार का एंड ये कोरल शेड सभी मेकअप लुक के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है।
अभी मैंने आईब्रो भी ड्रॉ कर लिया है। अगर आप लोग आईब्रो का फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट पे बता सकते हो। अभी टाइम है आईज़ का। आई मेकअप भी आज हम लोग बहुत ही लाइट करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने येलो एंड लाइट ब्राउन कलर एक साथ लेके अच्छे से मेरे आईज़ के ऊपर मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड आईज़ के एंड पर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड उसको भी बहुत अच्छे से ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लिया है। बस इतना ही, आई मेकअप इससे ही बहुत अच्छा लगने वाला है। इनर कॉर्नर पे आप लोग थोड़ा सा वाइट कलर का आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड मैंने मेरे आईज़ के वाटर लाइन पे अप्लाई करी हूँ ब्लैक कलर का काजल। एंड इसको स्मच करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ किया है। इससे आई लाइनर थोड़ा सा मोटा हो जाता है एंड एक स्मज सा एक इफ़ेक्ट आता है। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक डार्क कलर का ब्राउन शेड से एंड सभी को मैं एक साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे आईज़ का लुक ही पूरा चेंज होता है। आप लोग मेरे आईज़ को देख सकते हो, कितना सिंपल सा मैंने आई मेकअप किया है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा आईज़। इसको और एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है मस्कारा एंड इसके साथ ही मैं लगा रही हूँ आई लैश। ये मैग्नेटिक आई लैश है, मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेस किया था। नीचे एड बैग में कर दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी टाइम है लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक मैं ये वाला जो कलर पैलेट है इससे ही मिक्स एंड मैच करके बनाती हूँ। तो आज मैंने ये वाला लिपस्टिक बनाया है, ये एकदम लाइट पिंक न्यूड शेड का लिप कलर था। अगर आप इसका मिक्स एंड मैच देखना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करेंगे क्योंकि चमकना तो पड़ेगा। मैंने दोनों चिक्स पे हाइलाइटर अप्लाई करी हूँ, नोज़ पे करी हूँ एंड अपर लिप पे एंड चिन पे भी हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। मेकअप को और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए आप लोग मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करना मत भूलना एंड पे। एंड हमारा मेकअप हो गया है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो मेकअप कितना फ्लॉलेस हो गया है। एंड ये है साड़ी के साथ हमारा मेकअप लुक, आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इसके साथ मैंने एक छोटा सा बिंदी भी ड्रॉ कर लिया है। एंड लुक एट द मेकअप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना, किसी भी फंक्शन हो पार्टी हो ज़रूर ट्राई करना। सो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। अगर आपको मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।